यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RO ARO 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका जो प्री का सिलेबस है वो क्या होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। आप सब जितने भी नए कैंडिडेट्स जो कि पहली बार RO ARO का पेपर देंगे, उन लोगों को सही से नहीं पता है और आप लोग हर जगह ये सर्च कर रहे हैं कि प्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शन होंगे, ये सब आप लोग हर जगह सर्च कर रहे हैं। तो आप सबको बता दें, जो UPPCS RO ARO का जो प्री होता है उसमें जो है आपका दो सेक्शन होता है, दो सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, दो शिफ्ट में आपका पेपर होता है, सेम डे होता है, एक ही दिन दोनों ही शिफ्ट होगा और दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका GS का होता है जिसमें कि 140 क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा जो सेक्शन है आपका वो होता है हिंदी का। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 140 नंबर जो है आपके GS के और 60 क्वेश्चंस 60 नंबर के आपके हिंदी के होंगे। और ये दो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, सुबह वाले शिफ्ट में आपका GS का पेपर होगा और शाम वाले शिफ्ट में जो है आपका हिंदी का पेपर होगा। जो 140 क्वेश्चंस आपके GS के होंगे उसमें जो है सारे सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें UP स्पेशल भी होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है आज दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए RO ARO 2023 से रिलेटेड, और जो हिंदी के टॉपिक्स है वो भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि आप लोग जो है हर जगह मैं देख रही हूँ कि ये सर्च कर रहे हैं कि जो आपका RO ARO है उसकी प्री का क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। जितने भी RO ARO की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।